कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मीन्स ए इक्वल होगा अपने ट्रांसपोर्ट के ठीक है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा बी बी हमारा क्या है सीमेट्रिक है तो बी बी होगा बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ठीक है अब प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए बताओ क्या होगा सिमेट्रिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा जीरो होगा या आइडेंटिटी होगा ठीक है सॉल्व कर लेते हैं ए बी माइनस बी ए को सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले ठीक है करो क्या होगा ए बी का ट्रांसपोज रिजॉल्व हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस पी ए का ट्रांसपोज ठीक है इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा अब ये क्या होता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है आप पढ़े होंगे ए बी का ट्रांसपोज होता है आपका जस्ट उल्टा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है सेम इसको करो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ठीक है यहां तक लिख सकते हैं ऐसे अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के क्यों क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया आपको कि ए एंड बी दोनों हमारे क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं मैट्रिक्स हैं ठीक है, matrices है तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा बी के जाएगा ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी अब यहां से माइनस कॉमन ले लो क्या लो माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा ए बी माइनस बी ए अब आप एक बात जानते हो कि सिमेट्रिक में तो ये कंडीशन है लेकिन स्क्यू uh, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है इफ़ सी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन सी इज इक्वल टू माइनस सी ऑफ ट्रांसपोज ये किसके लिए कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए किसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इफ सी इज यानी स्क्यूमेट्रिक्स

आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ सौ पर